नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव वर्मा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कब्ज के संबंध में बात करूँगा कि कब्ज होने का क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जाए और इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कैसे आपको लेना है और इसके कितनी कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो दी जाती है वो काफ़ी ही कारगर मेडिसिन है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है और इससे जो है आदमी जो है कब्जियत के परेशानी से दूर भी हो जाता है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, कब्ज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आजकल के जो लाइफ स्टाइल है इसके कारण जो है हम लोग जो है खाना जो है खाते हैं जो वो जो है अनियमित तरीके से खाते हैं और वो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस के समय या कभी कुछ काम के वजह से लाइफ स्टाइल तो काफ़ी फास्ट हो गया है, जिसके कारण जो है खाना जो है ठीक से हम लोग चबा चबा करके नहीं खाते हैं और जिसके कारण जो है भी एक कारण बनता है। और इसका जो हम लोग जो आजकल जो मांसाहारी जो पदार्थ लेते हैं सेवन करते हैं इसके वजह से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण भी अधिकांश लोग इससे कब्जियत के शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, कब्ज होने के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जो है मैंने कि गैस की समस्या, सुस्ती, कमजोरी अक्सर लोगों को हो जाती है, ये समस्या कब्ज के कारण होती है। दोस्तों, कब्ज के कारण जो है लोग जो टॉयलेट जो जाते हैं वो शाम के समय मैंने इवनिंग के समय भी नहीं जाते हैं, जिसके कारण जो है मल जो है रात भर पेट में पड़ा रहता है और जिसके कारण जो है वो गैस की समस्या पैदा कर देती है, जिसके कारण कभी कभी गैस इतनी अधिक हो जाती है कि वो चेस्ट पर भी चला जाता है कि जिस तरह से लगता है कि हार्ट में दर्द हो रहा है या पूरे कलेजे में जलन हो रही है, इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो दोस्तों, अब मैं इसके लिए आगे जो बताऊँ उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन इसकी क्या है और कैसे इसको दिया जाएगा कि हम इससे दूर रहेंगे। दोस्तों, इसमें जो मैंने जो दवा देता हूँ ये नक्श होम 200 है, जिसे कि मैं ऐसे रोगी को जो देता हूँ जो रोगी बैठ करके ऑफिस में जो बैठ करके अधिकांश समय काम करते हैं और उनको जो है ऐसा महसूस होता है कि वो शौच के लिए जाते हैं लेकिन शौच जो है टट्टी जो है बहुत थोड़ी सी होती है और फिर बार बार उनको जाना पड़ता है और लेकिन पेट पूरा से क्लियर नहीं होता है, उस रोगी को मैं ये मेडिसिन देता हूँ, जिसे मैं 4 बूंद रात में सोते समय लेने को देता हूँ और ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है वैसे पेशेंट के लिए जो कि इस तरह के जो बैठ के काम करते हैं, जो जिनकी ज़्यादातर बैठ के ड्यूटी होती है उनके लिए ये काफ़ी कारगर है और ये दवाई उनको लेना चाहिए, नक्श होम 200। ठीक है, दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रेस्टिक क्यू शक्ति में है ये, वो ऐसे रोगी को मैं देता हूँ जो रोगी कब्ज के शिकार हैं, सिर्फ ओनली फॉर कब्ज है उनको और कब्ज के अलावा कोई दूसरी परेशानी नहीं है और उनको जो है पेट में जो है हमेशा जो है लगता है कि ठीक पेट में हल्का मीठा मीठा दर्द होने लगता है, जिसके कारण उन्हें ये पेट खाली महसूस होता है, उन्हें ये दवा काफ़ी कारगर है। इसका 5 बूंद सुबह खाली पेट में आधे कप पानी में डाल करके लेने से ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है उनके लिए। अब मैं तीसरी दवा उनके लिए बताने जा रहा हूँ जो कि बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों को दिया जाता है कि जिनकी कंस्टिपेशन की शिकायत है और वो उनकी लैट्रिन जो है टट्टी जो है वो बहुत हार्ड हो रही है, बहुत मैंने गांठ गांठ टाइप का टट्टी हो रहा है, उनके लिए देता हूँ ये मैग्नीशिया म्यूर 30 शक्ति में है, उन्हें मैं उस बच्चे को देता हूँ, उनको सुबह दोपहर रात 3 बार लेने के लिए देता हूँ 2-2 बूंद। ठीक है, अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें पानी में या मदर मिल्क के साथ दें और बड़े हैं तो उनको इसी तरह भी दे सकते हैं आप डायरेक्ट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये दवा जो है ये काफ़ी
इफेक्टिव मेडिसिन है आप लोगों के लिए और ये काफ़ी कंस्टिपेशन में काफ़ी कारगर मेडिसिन है और इसे लेने से किसी प्रकार का इस प्रकार का जो कब्ज है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देंगे कि जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।